तो आज जो है हम आठवीं बोर्ड का पेपर जो है आपको हल करेंगे आ, इसका एक पार्ट जो है वो हम हल करेंगे आठवीं बोर्ड का तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने जो है टाइम दिया होगा और मार्क्स भी लिखे होंगे आठवीं बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश और सभी क्वेश्चन जो है वो करने आपके लिए कंपल्सरी होंगे तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है एक नंबर क्वेश्चन वो है आ, वुमन द वुमन रिप्लाइड बोल्डली Here replied means, तो महिला जो है उसने बहुत ही साहसपूर्ण से उत्तर दिया है तो यहाँ पूछा गया है कि रिप्लाई का मीनिंग क्या होगा चार ऑप्शंस देख सकते हैं आप गेव क्वेश्चन आंसर एंड इंक्वायरी गेव का अर्थ जो है वो होता है लेना सॉरी देना और क्वेश्चन का होता है आंसर uh, का होता है उत्तर और इंक्वायरी क्या होता है जांच करना तो रिप्लाई का अर्थ भी होता है उत्तर और आंसर का अर्थ भी होता है उत्तर तो ये सभी ऑप्शंस जो है वो गलत हैं और इसका सही आंसर होगा बी तो हम जो है इसका आंसर भरेंगे बी इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है डू यू नो मोहित स्टडी इन क्लास एट एक लड़का मोहित मोहित जूस के बारे में आप जानते हो वो जो है क्लास एथ में पढ़ता है तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है, है, सेकेंड है वाई थर्ड है हु और फोर्थ है हाउ तो हमें इनके जो है वो इनकी जो हिंदी है ऑप्शंस की वो पता होनी चाहिए हुम जो है उसका अर्थ होता है किसको तो ये जो है वाई है इसका अर्थ होता है क्यों और हु माने होता है कौन या जो हाउ माने होता है कैसे तो इसका आंसर होगा हु मोहित जो क्लास आठ में पढ़ता है या क्लास एट में पढ़ता है मोहित जिसके बारे में आप जानते हैं क्लास एट में पढ़ता है तो इसका हम भरेंगे बी तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा बी हु इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर इनमें से ऐसा कौन सा है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है तो हमारे पास चार ऑप्शंस है ए ऑप्शन है इनपुट बी ऑप्शन है इंजन सी ऑप्शन है आउटपुट और डी ऑप्शन है मेमोरी। तो इनपुट क्या होता है कि जैसे हम कंप्यूटर में कोई कमांड डालते हैं जैसे हमने डाला एक प्लस एक ये हमारा इनपुट है और इसका जो आंसर हमें प्राप्त होगा वो होगा दो तो ये हमारा आउटपुट होगा मेमोरी जो होती है वो इन सब डेटा को जो स्टोर रखी जाती है बिट्स और बाइट्स में तो वो हमारी मेमोरी होती है तो इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो है इंजन तो इंजन जो है आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में नहीं होता है वो व्हीकल्स में होता है तो हमारा आंसर यहाँ होता है बी तो हम आंसर भरेंगे बी इसके बाद है हमारे पास जो फोर्थ हमारा क्वेश्चन है वो है आई कि माई बुक्स द टेबल तो यहां हमें हमारे पास जो है चार ऑप्शन है मैंने अपनी किताबें टेबल पर मतलब कहाँ रखी है ऑफ ऑन टू या इन टू तो ऑफ ऑन टू या इंटू तो इंटू जो है इसका यूज़ जो है जो फोर्थ ऑप्शन है इनका यूज़ किया जाता है गति के लिए यानी जैसे कोई भी वस्तु है वो गति करती हुई किसी की चीज़ में आ रही है जैसे ये पानी है और ये बोल जो यहाँ से फेंकी गई है ये गति करती हुई इसमें आ रही है तो इसमें हम इंटू का यूज़ करेंगे और इसके बाद है जो टू है किसी वाक्य को जोड़ने के लिए होता है ऑन का अर्थ होता है किसी भी चीज के ऊपर जैसे ये टेबल है और इसके ऊपर हमने एक बोल को रखा है तो ये ऑन लगेगा ऑफ होता है का के और की के संबंध में यानी किसी भी वस्तु से हमें संबंध दिखाना है तो वहां हम ऑफ लगाएंगे आई किप्ट माई बुक यानी जो बच्चा है वो पुस्तक को कहाँ रख रहा है टेबल के ऊपर रख रहा है तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑन तो हम यहाँ जो है ऑन भरेंगे ऑन हम भरेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑन इसके बाद है पांचवा विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज ए डिफरेंट साउंड तो ये जो साउंड है वो हमें करने है तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है स्नैक सेकंड है टेबल थर्ड है मैक और फोर्थ है हार्ड तो यहां हमें जो है वो साउंड को पहचानना है और उसके बाद में उसकी जो है आंसर को लिखना है तो हम इसकी इजीली कर सकते हैं इसकी हिंदी बना सकते हैं जो है स्नेक स्नेक में एक ही ध्वनि आ रही है और टेबल में भी एक ही ध्वनि आ रही है मेक में भी एक ही ध्वनि आ रही है और हार्ड जो है वो उसमें आ की ध्वनि आ रही है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्ड तो हम यहाँ भरेंगे डी तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा इसके बाद जो है सिक्स क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास रामू रिकिस्तान द टू द फार्म एवरी मॉर्निंग ही इज ए फार्मर रामू जो है रोज खेत जाता है वो एक किसान है तो हम इसके बारे में जो है लिखेंगे कि इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वो है वेंट सेकंड ऑप्शन है गोस थर्ड ऑप्शन है हेस्कोन और फोर्थ ऑप्शन है ड गोन तो तो हमें इसमें लिखना है कि ये जो रामू जो है रोज फार्म जाता है एवरी डे रोज जाता है यानी वेंट इसमें नहीं होगा और हैड गोन भी नहीं होगा क्योंकि ये की बात कर रहे हैं इसके बाद बचा हमारे पास हैज गोन और गोज तो इसका आंसर होगा गोज तो हम इसमें भरेंगे बी फिर उसके बाद में है सातवां हु टू द आउल एट दिस सडन चेंज तो इसमें हमें जो है वो ये हमारे पास टेंस हैं और हमें टेंस भरने हैं तो हमें जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं इज सरप्राइज विल बी सरप्राइज सरप्राइज्ड या वाज सरप्राइज्ड तो इसमें हम भरेंगे जो है हमारे पास हो जाएगा सी ऑप्शन जो है सरप्राइज तो हम यहाँ पे सी भर देंगे इसके बाद है आठवां क्वेश्चन है हमारे पास मैक न्यू वर्ड बाय एडिंग फुल ऑलनेस तो हमें यहाँ पे जो है काइंड uh, ऑप्शन दिया गया है और एक दूसरा जो है हमारे पास वंडर है तो इन दोनों के साथ हमें फुल या नेस में से जोड़ना है दोनों के साथ एक ऑप्शन भी जुड़ सकते हैं या अलग अलग भी जुड़ेंगे तो काइंड के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं कि कौन सा जुड़ेगा काइंड नेस होता है या काइंड फुल होता है तो यहाँ हम जोड़ेंगे काइंड की पूरी स्पेलिंग हमें लिखनी है और उसके बाद में हम ये आगे लगा देंगे काइंडनेस ये हो जाएगा फर्स्ट का और जो वंडर है उसके साथ हम जोड़ देंगे फुल तो वंडरफुल होता है और काइंडनेस होता है उसके बाद में है दसवां क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास में मिसिंग लेटर्स का है तो यहाँ जो स्पेलिंग दी गई है इसको हमें पहचानना है दोनों स्पेलिंगों को ये किस चीज़ की स्पेलिंग्स हैं और उसके बाद में हमें फिल करना है तो पहली स्पेलिंग है पेरेंट्स की है सेकंड एजुकेशन की है तो इसमें आएगा पी ए आर ई दोनों ऑप्शंस में ए और ई e आएगा और उसके बाद स्पेलिंग फिल हो जाएगी और जो सेकंड है उसमें आएगा ई डी के बाद यू आएगा और उसके बाद में ए आएगा तो एजुकेशन की स्पेलिंग जो है वो पूरी फिल हो जाएगी इसके बाद जो ग्यारहवा क्वेश्चन जो है हमारे पास है ग्यारहवा क्वेश्चन आइडेंटिफाई द वर्ड इन करेक्ट स्पेलिंग्स एंड री राइट दैम आफ्टर करेक्टिंग तो हमें जो है स्पेलिंग को करेक्ट करना है और उसके बाद में हमें स्पेलिंग को लिखना है द भिक्षु वाज साइलेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम यहाँ जो है साइलेंट और लॉन्ग की स्पेलिंग जो है वो गलत है ये साइलेंट और लॉन्ग की स्पेलिंग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे गलत है साइलेंट की जो स्पेलिंग है आपको सही करके लिखनी होगी साइलेंट की स्पेलिंग ऐसे होगी और लोंग की जो स्पेलिंग है वो आप जानते ही हैं कि लोंग की स्पेलिंग एन जी होगी तो इस तरीके से आपको ये स्पेलिंग सही करनी है और आपको वापस से यहाँ से लिख देना है इसके बाद है बारवा क्वेश्चन जो है हमारे पास वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स यहाँ हमें देखना है कि एंड लगेगा या सो दैट लगेगा वी कैन कीप आवर सेल्फ सेप uh, तो यहाँ हमें लगाना है एंड यहाँ हमें एंड भरेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद